बक्सर के चौसा में एसजीवीएन द्वारा चल रहे 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन निर्माण कार्य अब किसानों का धरने से पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। किसान पिछले 4 से 5 दिनों से चौसा पावर प्लांट के मुख्य गेट पर जमा हैं। ऐसे में प्लांट का पूरा काम प्रभावित हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में आते हुए किसानों को पावर प्लांट के मुख्य गेट पर दे रहे धरने को 24 घंटे के अंदर खत्म करने की चेतावनी देते हुए वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसको लेकर आज मंगलवार को सदर एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि चौसा पावर प्लांट के मुख्य गेट पर किसान अपने मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे काम पूर्ण रूप से प्रभावित है। किसान मुख्य दरवाजे पर बैठे हुए हैं। मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि 24 घंटे के समय के अंदर चौसा पावर प्लांट के मुख्य गेट और आने जाने वाले रास्ते को खाली कर दें, ताकि कार्य में कोई बाधा न आए। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो किसानों को भड़का रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी विधि संबद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि हम लोगों ने आग्रह किया है, आप लोगों के माध्यम से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनके प्रति हम लोग भी संवेदनशील हैं, गंभीर हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बातचीत के कई दौर हुए हैं, हम लोग भी अभी भी लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, उसकी अवमानना की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। 5 दिनों से प्लांट में कार्य पूरी तरह से बाधित है और मोर्चा के लोगों ने खुद अपने लेटर हेड पर लिख के ये स्वीकार किया है। एक तरह से उन्होंने आह्वान दिया है कि हम लोग पूरी तरह से चक्का जाम कर रहे हैं प्लांट का। ये एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि वो कोर्ट के आदेश के, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। बीच में जो गति धीमी हुई थी बातचीत की, वो इसलिए कि अचानक सीईओ का स्थानांतरण हो गया। नए सीईओ के आने और उनके मामले के समझ होने तक भी हम लोगों ने फिर से आग्रह किया था सभी किसान प्रतिनिधियों से कि इतने समय तक उनको थोड़ा समय दिया जाए, ताकि वो आके बातों को समझ सकें और उस दरमियान कम से कम कार्य में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं माने और लगातार वो लोग काम को बाधित रखे हुए हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवमानना है। हम लोग उन सभी से आग्रह करते हैं कि अगले 24 घंटे का, आप अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक का समय उनके पास है, उस पूरी पट्टी को, मुख्य द्वार से लेकर बक्सर चौसा मार्ग को जोड़ने वाली सड़क तक जाने वाली जो पट्टी है, जो प्लांट के मुख्य द्वार तक जाती है, उसको खाली कर दें। उस पर धारा 144 लगाई जा रही है, उस पर किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर 24 घंटे तक वो उसको खाली नहीं करते हैं, वो अपने मूल स्थान पे जाएं, लोकतांत्रिक तरीकों से अपने मांगों का के लिए आंदोलन करें, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पट्टी को खाली करें, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सदर डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि ये हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी धरना और प्रदर्शन की इजाजत प्लांट के मुख्य गेट पर नहीं है। जैसा कि अभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने बताया, हम लोगों ने घटना धरना स्थल पर जाके भी आग्रह किया है, निवेदन किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो आदेश है, उसके बारे में भी वहाँ पे जो धरना और प्रदर्शनकारियों के जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको भी बताया है और अन्य लोगों को भी बता दिया गया है। वहाँ पे मैं स्वयं और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वयं गए थे, कैमरा के सामने उन लोगों को बताया गया है, फिर आज आप लोगों के माध्यम से पुनः बताया जा रहा है कि जो भी उनकी मांगे हैं उस पर प्रशासन और कंपनी गंभीर है। थोड़ा सा समय लग रहा है, सीईओ जो है उनका ट्रांसफर हो गया है, परंतु हमारी व्यवस्था में इस चीज़ की अनुमति कदापि किसी को भी नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना कोई करे और धरना प्रदर्शन के से कंपनी का काम बाधित करके और हॉस्टेज एक तरह से बना के और अपनी मांगों को जबरदस्ती मंगवाने का प्रयास करें। उसके लिए मांगो जो भी उनके मांग है उस पर समन्वय समिति बना है, समय समय पर मीटिंग भी हुआ है, कुछ प्रोग्रेस हुआ है। उनका कंप्लेन है कि प्रोग्रेस स्लो है, उस पर हम लोगों ने कल भी बात हुई थी कि पुनः अगर वो चाहते हैं तो कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, उसमें एक नियत समय पर समयबद्ध तरीके से मीटिंग होगी, उस पर क्या कार्रवाई हुई वो उनको बताया जाएगा, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है वो भी उसमें चर्चा होगी, परंतु फिर भी
वो मुख्य गेट को बाधित किए हुए हैं। जैसा कि एसडीएम सर ने बताया कि वहाँ पे 144 सीआरपीसी की धारा इन्वोक की जा रही है, और जो लोग भी 24 घंटे के अंदर में वहाँ से अगर डिस्पर्स नहीं होते हैं तो फिर उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जो काम को प्रभावित करे। आपको बताते चलें कि पिछले एक सप्ताह से चौसा पावर प्लांट केवल मुख्य गेट पर किसान अपने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में प्लांट का काम पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया है। ऐसे में अगर किसान अपने मुख्य धरनास्थल पर नहीं लौटते हैं तो आगामी 24 घंटे बाद सीधी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।